जनाब मौलाना लतीफ़ रहमान साहब, जनाब हबीबुर रहमान चिमोनी साहब, जरा खामोश होके उलमाए इकराम, मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जब मौलाना अतर रहमान साहब को मिला, मैंने इन्हें मुबारक दी कि आपका आना मकसद में कुछ अर्सा पहले बड़ा मुबारक हुआ। आज मैं यहाँ पे जो सामने बैठे हुए भाइयों को देख रहा हूं, हबीबुर रहमान चिमोनी साहब के साथ सबका डिस्ट्रिक्ट नाजम जागीर खान साहब बैठे हैं, यहाँ पे सबका नायब तहसील नाजम इजाज अख्तर खान बैठे हैं, यहाँ पे आज मानसरा सिटी वन के सबका नाजम इम्तियाज खान साहब बैठे हैं, यहाँ पे सबका तहसील मंडल सरदार मुश्ताक साहब बैठे हैं, यहाँ पे अनवर रुकमानी साहब एडवोकेट बैठे हैं, और इसी तरह बहुत सारे और हमारे साथी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर हाथ से बाहर जा के देखें तो जो हॉल में लोग बैठे हैं उनसे कई ज्यादा लोग हॉल के पास खड़े हैं या बैठे हैं अल्लाह के फजल करम से। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे कन्वेंशन हुआ, लोगों ने वो कन्वेंशन भी देखा। अल्लाह के फजल करम से हम अब उलमाए काम की पार्टी में, जमीयत उलमाए इस्लाम में, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की क्यादत में, आपने उन कन्वेंशनों का भी हाल देखा जहां पे कोई इखलाक बड़ी बात नहीं हुई, जो ताकत के नशे में मगरूर हमारे जिला को यहां पे हमारे कबीले के लोगों को भेजल करके चले गए, उन्हें कोई अच्छी जबान यहां पे इस्तेमाल नहीं की। लेकिन अल्लाह के बंदों करम से जिनकी क्यादत में हम हैं, जो हमारे कायदीन है, अल्लाह के फजल करम से वो इखलाक के पैटर्न है और वो रहनुमाई कर सकते हैं। आज जिला मानसरा की नामवर शख्सियात, आज जिला मानसरा में अल्लाह के फजल करम से वो लोग जो कि अपने अपने इलाकों से मुंतखब हो सकते हैं और जो कि अपने अपने इलाकों से लोगों को मुंतखब करवा सकते हैं, आज वो आपकी सफों में मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन ये साबित करेगा कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हजरत मौलाना की क्यादत में इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत की जमात होगी। हम हर सीट पे मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम हर सीट पे मुकाबला कर सकते हैं, और हमें अब फैसले जो करने होंगे, जमीयत उलमाए इस्लाम पहले भी बहुत बड़ी जमात थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मानसरा में अब ये अक्सरियत की जमात है। लेकिन हमें ऐसे ठीक चलाने, हमें मिल के चलाना है, हमें टीम वर्क करनी है, हमें एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देनी है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक साथ चलना है। तो ये फैसले
जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिंदगी के आदमी के साथ मिलके बैठ के ये फैसले करेंगे। मैं समझता हूं कि आज हम सबकी खुशकिस्मती है जो हम नए इसमें शामिल हुए हैं कि हम अल्लाह की राह में चल पड़े हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमने अल्लाह की राह अपना ली और हम इस जमात के साथ इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस जिला में मौलाना साहब का दौरा है और मौलाना साहब हम इसी इस तरह से ऐसे वैसे जमात में नहीं आए, हमने जमात की क़यादत देखी, हमने जमात का इख़लास देखा, हमने उलमा इस्लाम का किरदार देखा। और मैं समझता हूँ इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है जो इस बुरान से इस मुल्क को निकाल सकता है, जिसका विजन है, जिसकी समझ है, वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान है। उनके मुकाबले का कोई लीडर इस वक्त पाकिस्तान मैं कई दफा वजीर रहा, सूबाई असेंबली का मेंबर रहा, मैंने दुनिया देखी, मैंने तालीम तरबियत भी हासिल की, मैंने बहुत सोच विचार की, बहुत सोच विचार की, मैंने इन तमाम सियासी जमातों पर नजर डाली, मैंने बहुत सारे अदवार भी देखे, लेकिन मैं किसी से कायल नहीं हुआ, किसी को मैंने पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं समझा। क्योंकि हमने सेंटर में एक सोशलिज्म भी देखा, हमने लिबरल क़यादत भी देखी, हमने मॉडरेट क़यादत भी देखी, लेकिन हमने आखिर में यह फैसला किया कि हमारी बुनियाद जो है वो इस्लाम है, हमारी बुनियाद शरिया का कानून है, हमारी तरक्की इसी निज़ाम में मुजम्मल है। और अल्लाह के फजल करम से अगर हम कोई पार्टी सेलेक्ट करेंगे अपने लिए तो हमारी जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब हम उसमें चलेंगे और किसी लिबरल पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं, हम जिंदगी का बहुत वक्त गुजार चुके हैं। पिछले दिनों मैं, मेरा भाई शहजादा काशिफ, मेरे बच्चे अब्दुल्ला अकबर, मेरे भतीजे, सारे खानदान के लोग हम शामिल हो गए। आज जहांगीर खान साहब रहते थे जोगड़ी हबीबुल्ला से, डिस्ट्रिक्ट नाजम भी दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर भी दे रहे हैं, और इनके बड़े भाई बाबा नसीम खान सुबह सदन में कई दफ़ा वजीर भी रहे हैं, मेंबर रहे हैं, अल्लाह के फजल व करम से मेरे सामने बैठे हैं। और मुझे इस बात में बड़ी खुशी है कि हम एक ही मुट्ठी लोग हैं। जमीयत ने हमें जोड़ दिया, जमीयत ने खानदानों को एक कर दिया। और मेरे दूसरे भाई इजाज अख्तर खान और इजाज अख्तर खान तहसील के सबक नायब नाजम भी रह चुके हैं, कई दफ़ा नाजम भी रह चुके हैं अपनी यूनियन काउंसिल के, और इसी तरह इजाज खान मेरे छोटे भाई हैं, वो भी सचिवालय से नाजम रह चुके हैं। और मेरे साथी जो मुझे भाइयों से ज़्यादा अजीज हैं, जिन्होंने सारी उम्र मेरा साथ दिया, मेरे साथ मेरे दादा के साथ उनके दादा थे, मेरे वालिद के साथ उनके वालिद थे, मेरे साथ उन्होंने कुर्बानियां दी, मुझे उन्होंने चलाया, आज अल्लाह के फजल करम से इस हाल के अंदर और हाल के बाद वो मौजूद है और इंशाल्लाह वो जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हो चुके हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम।
दिनों हमारी मुलाकात हुई, हमने जनाब मौलाना तो हमने कहा आप हम आपको तकलीफ देते देंगे मानसर आने की। मौलाना साहब बहुत बड़े लीडर है, उनके पूरे पाकिस्तान को उन्हें जाना होता है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जिली तंजीम के तहत हम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द फिर तकलीफ देंगे या आपको वो दूर करेंगे और कई हमारे साथी जो है इंशाल्लाह और भी इसमें शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि अब हमारा मुकाबला मौजूदा हुकूमत के उम्मीदवारों से नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम इंशाल्लाह पहले से शपथ ले गई है, दूसरी जमातों को मौजूद उम्मीदवार भी नहीं मिलते। अब ये हम तक है कि हम अगर ठीक फैसले करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इस जगह में स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम अक्सरियत की जमात है। इसी तरह आपने हिम्मत की और आप हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, अता और इमाम साहब की क्यादत में अटक पार के पीते में अल्लाह के फजल व करम से जमीयत ने स्वीप किया और हुकूमत को मुंह की खाली करी, और इसी तरह इंशाल्लाह ये होगा। आप मैं आपसे इजाजत